जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है कपूर। जानेंगे कपूर के बारे में। कपूर बदल सकता है आपकी ज़िंदगी। गिने चुने लोग ही जानते होंगे इसके चमत्कारी गुण। मित्रों, आइए जानते हैं कपूर के बारे में। जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानें कपूर के ऐसे चमत्कारी फायदे जिन्हें जानकर रह जाएंगे आप तंग। मित्रों, कपूर एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। अपने इसी गुण की वजह से ही फोड़े फुंसियों पर न सिर्फ लगाम लगाता है बल्कि उन्हें ठीक करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। आमतौर पर अपने दो तरह के कपूर देखे होंगे, एक तो वह जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा वो जिसे कपड़ों में रखा जाता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर प्राकृतिक होता है, जिसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है। मित्रों, जबकि कपड़ों में रखा जाने वाला कपूर कृत्रिम नहीं होता है, वह कैल्शियम से बनाया जाता है। ये कपूर के बहुत ही साधारण इस्तेमाल है, जबकि इसके कई बड़े फायदे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कपूर के बड़े बड़े फायदे जानने से पहले आपको कपूर की कुछ सामान्य खासियत जाननी बहुत ज़रूरी है। कपूर एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसके अलावा इसकी गंध भी बहुत तेज होती है, जिसे दूर से ही हम महसूस कर सकते हैं। मित्रों, कई रोगों में भी ज़बरदस्त लाभ पहुँचाता है कपूर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दवाइयों के निर्माण में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में कपूर के इस्तेमाल को लेकर आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ये मानसिक शांति प्रदान करता है और घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ कपूर से कुछ ऐसे फायदे बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। दरअसल कई तरह की शारीरिक दिक्कतों में भी कपूर का इस्तेमाल कर राहत पाई जा सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं प्राकृतिक और भीमसेनी कपूर के कुछ बड़े फायदे। मित्रों, सिर दर्द होने पर कपूर, सुंठी, अर्जुन की छाल और सफ़ेद चंदन को बराबर मात्रा में पीस कर लेप बना लेवे। यह लेप सिर दर्द में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मित्रों, आँख से जुड़ी दिक्कत में कपूर काफ़ी राहत पहुंचाता है। कपूर को बरगद के दूध में मिलाकर आँखों में काजल की तरह लगाने से समस्याओं में निजात मिलती है। मित्रों, युवा अवस्था में प्रवेश करते वक्त मुहांसे निकल आते हैं। कई लोगों को तो ये मुहांसे लंबे समय तक परेशान करते हैं। मुहांसों पर कपूर का तेल लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। यह मुहांसों को दोबारा आने से भी रोक लगाता है। मित्रों, कपूर एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। अपने इसी गुण की वजह से ये फोड़े फुंसियों पर न के लगाम लगाता है बल्कि उन्हें ठीक करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। मित्रों, प्रदूषण और अन्य कारणों से आज ज़्यादातर लोग बाल झड़ने और रूसी की शिकायत करते हैं। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर बालों में लगाने से रूसी और टूटते बालों से भी राहत मिलती है। मित्रों, खांसी होने पर कपूर को सरसों या तिल के तेल में मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर इस तेल से पेट और छाती की हल्की मालिश करें। इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा आपको, जो कि खांसी होने से रोकता है। मित्रों, गर्म पानी में कपूर डालकर भाप लेने से सर्दी जुकाम में भी काफ़ी राहत मिलती है। मित्रों, किसी भी प्रकार के घरेलू नुस्खों के लिए कपूर का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, ये थी कुछ कपूर की सामान्य जानकारी। इसी तरह की सामान्य जानकारी लेने और बहुत सारी ज्योतिष की जानकारी लेने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो कि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं इस चैनल को, तो इस पे जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अपनी जीवन में नई नई जानकारियाँ लेते रहेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।